बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। अभी हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन आपको यहाँ गिवन है। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हम इसको सपोज कर लेंगे कि दिस इज इक्वल्स टू एक्स। फर्स्ट स्टेप में हमने इसे सपोज कर लिया है। नाउ अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में लॉग लगाने के बाद अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पर टू लॉज ऑफ लॉगरिथम लग जाएंगी, जिसे फर्स्ट में आपको यहाँ पे गिवन है। फर्स्ट में आपको दोनों ये मल्टीप्लाई होते नज़र आ रहे हैं नंबर्स, और नीचे ये डिवाइड में भी गिवन है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम भी यूज़ होगी और सेकेंड लॉ ऑफ लॉगरिथम भी। फर्स्ट में आप क्या लिखोगे, लॉग 86.2 स्क्वायर देन प्लस कोसाइन एंड लॉग 37.37 एंड देन फिर माइनस का साइन और लॉग 5/1। यहाँ पर आपने तीन दोनों लॉस लॉ फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम, जिसमें आप अगर दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो आप उसको प्लस के साइन के साथ लिख देते हैं, और सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम कि अगर यहाँ डिवाइड में वैल्यू है तो उसको आप नेगेटिव साइन के साथ लिख देते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर आप चेक करें तो फर्स्ट पार्ट में आपको यहाँ पर लिखा हुआ है लॉग 86.2, और 86.2 पर एक्सपोनेंट गिवन है आपको 2। जब आपको एक्सपोनेंट 2 गिवन है तो थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम हमसे ये कहती है कि अगर एक्सपोनेंट है 2 तो 2 को आप स्टार्ट में लिख दें और फिर आप लिख दें लॉग और फिर आप लिख दें 86.2। यानी ये फर्स्ट आपका फर्स्ट टर्म को हमने सॉल्व कर लिया, फिर प्लस का साइन, फिर आपने लिखा लॉग, फिर लिख दिया 37.37, फिर माइनस का साइन, फिर आपने लॉग और फिर लिख दिया 5/1। तो स्टूडेंट्स ये हमारा एक और स्टेप सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने 2 लिखा, और स्टूडेंट्स अब हमने 86.2 की करेक्टरिस्टिक चेक करनी है और इसको फिर लॉग टेबल में हमने सॉल्व करना है, लॉग टेबल से फाइंड आउट करनी है वैल्यू। तो यहाँ 86.2 को देखना है, तो यहाँ करेक्टरिस्टिक लिखी हुई है इस टाइम 1, क्योंकि अगर 8 के बाद होती तो 0 होती करेक्टरिस्टिक। अब 6 के बाद है तो यहाँ पर करेक्टरिस्टिक गिवन है आपको 1, तो आप लिख दोगे 1 फिर प्लस का साइन। अब आपने मेंटीसा फाइंड आउट करना है और इसके लिए हमें लॉग टेबल पे जाना होगा। स्टूडेंट्स यहाँ हम 86 को 2 में चेक करेंगे क्योंकि हमें गिवन है 86.2। तो हम यहाँ 86 को, ये आपको गिवन है यहाँ पर 86 को ऊपर से 2 कॉलम में चेक करेंगे। दिस इज़ 0 कॉलम, दिस इज़ 1 कॉलम, दिस इज़ 2 कॉलम। तो 86 को 2 में कॉलम में चेक किया तो आंसर लिखा हुआ है 86 को 2 में चेक किया 9355। तो आप वैल्यू लिख दोगे 9355। अब आपने यहाँ पे लिख देना है 0.9355 देन प्लस का साइन। अब हमने यहाँ पर लॉग 37.37 हमें गिवन है, यहाँ पर हमने करेक्टरिस्टिक चेक करनी है, इसकी करेक्टरिस्टिक आपको गिवन है 1 फिर प्लस का साइन। अब आपने 37 का लॉग फाइंड आउट करना है, 37 को हम 3 में चेक करेंगे लॉग बुक में। यहाँ हमने 37 को थर्ड कॉलम में चेक किया, यहाँ पर 0 कॉलम, फिर 1 कॉलम, फिर 2 कॉलम, फिर 3 कॉलम, यहाँ आपको लिखा नज़र आ रहा है 5717। 37 को थर्ड कॉलम में चेक किया तो आंसर आ रहा है आपके पास 5717। फिर आप इसके मेन डिफरेंस में जाएंगे, इसी लाइन में आप मेन डिफरेंस में जाएंगे और आप जाकर इसको चेक करेंगे सेवन्थ कॉलम में। सेवन्थ कॉलम में आपको लिखा नज़र आ रहा है 8, तो आप 5717 में 8 को प्लस कर देंगे, आंसर बन जाएगा 5725। आप लिख दोगे 0.5725, फिर माइनस का साइन। इसके बाद आपने यहाँ पर करेक्टरिस्टिक चेक की तो यहाँ पर आपको करेक्टरिस्टिक यहाँ गिवन है 2, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट लिखा नहीं है, मीन्स कि यहाँ पॉइंट है, तो आपको करेक्टरिस्टिक यहाँ गिवन है 2 प्लस का साइन। अब आप 59 को 1 में चेक करेंगे, लॉग बुक में आते हैं। अब आपने 59 को 1 में चेक किया तो आपके पास लिखा हुआ है लॉगरिथम टेबल में, लॉग टेबल में देखना है 59 को 1 में, तो लिखा हुआ है 7716। यहाँ पर आप लिख देंगे 0.7716। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में आप यहाँ पर
टू लिखा आपने और वन में प्लस किया 0.9355 को, तो बन जाएगा 1.9355। देन प्लस का साइन, फिर आपने वन प्लस किया 0.5725 में, आंसर आ जाएगा 1.5725। फिर प्लस का, फिर माइनस का साइन क्योंकि यहाँ माइनस है, फिर टू प्लस किया 0.7716 में, आंसर आ जाएगा 2.7716। अच्छा नाउ स्टूडेंट्स, अब आपने टू से मल्टीप्लाई कर देना है 1.9355 को, कैलकुलेटर आप अलाउ है यूज़ कर लेंगे यहाँ पर सिंपल कैलकुलेटर। टू को मल्टीप्लाई किया 1.9355 से, आंसर आ गया आपके पास 3.871। देन प्लस का साइन 1.5725, देन माइनस का साइन 2.7716। यहाँ तक हमने क्वेश्चन कर लिया है, अब हमने फर्स्ट टू टर्म्स को प्लस करना है एंड देन उसमें से माइनस करना है 2.716 को। जब आपने माइनस किया तो 2.6719 के आंसर आ गया। अब हमने फाइंड आउट करना है एंटी लॉग, क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है 2.6719। यहाँ पर आप एंटी लॉग फाइंड आउट करने के लिए आप यहाँ पर ये आपको 2 गिवन है कैरेक्टरिस्टिक, अब आप 0.67 को 1 कॉलम में चेक करेंगे एंटी लॉग टेबल में। यहाँ आपने 0.67 को 1 में चेक किया, 0.67 दिस इज 0 कॉलम एंड दिस इज 1, तो आंसर लिखा हुआ है 4688। फिर आपने इसको मीन डिफरेंस में यानी नाइन्थ में जाके चेक करना है, तो नाइन्थ में आपको यहाँ लिखा हुआ है 10, तो आप इसमें 4688 में 10 को प्लस कर देंगे। प्लस करने के बाद आंसर आ जाएगा 4698। ये x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली आपने, लेकिन यहाँ आपको करेक्टरिस्टिक क्योंकि 2 गिवन थी तो आप पॉइंट यहाँ पर लगा दोगे, तो ये आंसर आ गया 4698। स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 9 हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। थैंक यू। लॉगरिथम एक्सरसाइज 3.6 का हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। आपको यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है, आपने इसको फर्स्ट स्टेप में सपोज कर देना है दिस इज इक्वल्स टू एक्स। आपने इसको सपोज किया कि ये एक्स के इक्वल है और फिर आपने लिखा 23.60। यहाँ आपने लिखा 23.60 वन अपॉन टू मल्टीप्लाई बाय 8.719 और आपने लिखा ऊपर क्यूब एंड डिवाइडेड बाय 693। ये आपने एक्स की वैल्यू लिख दी है। अब करना है आपने अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ये आपने अप्लाई कर लिया लॉग बोथ साइड्स पर। नाउ अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर लॉग के बाद आपको मल्टीप्लाई में भी डिजिट्स गिवन है, दोनों वैल्यूज गिवन है और फिर यहाँ डिवाइड में भी है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम हम यूज़ करेंगे जिसमें हम दोनों नंबर्स को प्लस कर देंगे। लॉग लिखा हमने एंड फिर उसके बाद 23.60 और यहाँ पर 1/2 फिर प्लस का साइन, फिर हमने लिखा लॉग, फिर हमने लिखा 8.719 और ऊपर क्यूब, फिर माइनस का साइन और फिर हमने लिख दिया लॉग, क्योंकि यहाँ पे माइनस इसलिए लगा दिया कि 693 हमें डिवाइड में गिवन था। तो यहाँ हमने ये स्टेप कर लिया है, फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम यूज़ की है और उसके बाद हमने सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम भी यूज़ की है और नीचे डिवाइड में जो वैल्यू थी उसको माइनस के साइन के साथ लिख दिया है। अब हमें यहाँ पे थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम यूज़ करनी है क्योंकि यहाँ पर हमें एक्सपोनेंट गिवन है जो 1/2 है फर्स्ट स्टेप में, तो यहाँ पर एक्सपोनेंट 1/2 है, तो हम इसको लिख देंगे 1/2 स्टार्ट में और फिर लॉग और फिर हम लिख देंगे 23.60। देन प्लस का साइन, अब यहाँ पर आपको 3 गिवन था एक्सपोनेंट, तो 3 को आपने स्टार्ट में लिखा, लॉग लिखा एंड 8.719। फिर माइनस का साइन, अच्छा स्क्वायर रूट की मीनिंग्स होती हैं 1/2, अब आप यहाँ पर लिख दें 1/2 एंड फिर लॉग और फिर आप लिख दें 693। तो ये भी हमने कन्वर्ट कर दिया है लॉ ऑफ लॉगरिथम यूज़ करके। अब आपने यहाँ पर करेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करनी है 23.60 की। स्टूडेंट्स अब हमने कैरेक्टरिस्टिक चेक करनी है लॉग 23.60 को, अगर हम चेक करें
यहाँ हमें इसकी हमने लिखा 1/2 और फिर आपने यहाँ पर इसकी कैरेक्टरिस्टिक चेक की तो आपको गिवन है 1 एंड देन प्लस का साइन। अब आपने यहाँ पर 2 के बाद अगर पॉइंट होता तो 0 कैरेक्टरिस्टिक होती क्योंकि अब यहाँ पर 23 टू डिजिट्स के बाद पॉइंट है तो यहाँ कैरेक्टरिस्टिक 1 है प्लस का साइन। अब आपने लॉग बुक में चेक करना है 23 को 6 में आंसर आपके पास आ जाएगा। अब आपने 23 को 6 में चेक किया तो यहाँ पर 6 कॉलम में आपको गिवन है 3729। यहाँ आपने लिख देना है 0.3729 एंड देन प्लस का साइन, फिर आपने लिखा 3। अब आपको यहाँ कैरेक्टरिस्टिक चेक करनी है तो आपको गिवन है 0 एंड देन प्लस का साइन। अब आपने 87 को 1 में चेक करना है लॉग बुक में। अब आपने 87 को 1 में चेक किया तो आपको यहाँ गिवन है 9400 और फिर आपने मेन डिफरेंस इसी कॉलम में चेक करना है 9 में तो आपको मेन डिफरेंस गिवन है 4 तो आपने 9400 में 4 को प्लस कर देना है आंसर आ जाएगा 0.9404 देन माइनस का साइन 1/2। यहाँ पर आपने कैरेक्टरिस्टिक चेक की तो यहाँ कैरेक्टरिस्टिक आपको गिवन है 2 क्योंकि 693 लिखा हुआ है पॉइंट इसके बाद है तो जब आपके पास यहाँ पर पॉइंट यहाँ गिवन होगा ऑब्वियसली तो कैरेक्टरिस्टिक यहाँ होती है तो 0 यहाँ होती है 1 तो यहाँ पर है तो 2 कैरेक्टरिस्टिक प्लस के बाद। अब आपने 69 को 3 में चेक करना है लॉग बुक में। जब 69 को आपने 3 में चेक किया तो 3 में आपको यहाँ गिवन है 8407 आपने यहाँ लिख देना है 0.8407 अब नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स हमने ये करना है कि यहाँ पर आपने लिखा 1/2 और फिर इसमें आपने 1 में प्लस किया तो 1.3729 आ गया एंड देन प्लस का साइन, फिर आपने 3 लिखा और 0 में 0.9404 को प्लस किया तो आंसर आ गया आपके पास माइनस का साइन, फिर 1/2, फिर इस तरह आपने 2 में प्लस किया तो 2.8407 आपके पास आंसर आ गया है। अब आपने इसके बाद यहाँ पर 1.3729 को 2 से कैलकुलेटर पे डिवाइड कर देना है। यहाँ आपने 2 से डिवाइड किया तो आंसर आ गया 0.6864, फिर प्लस का साइन, 3 से आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो आपके पास रिजल्ट आ गया 2.8212, फिर माइनस का साइन, फिर आपने 2.8407 को 2 से डिवाइड किया तो आंसर आ गया 1.4203। अब आपने दोनों नंबर्स को फर्स्ट टू टर्म्स को प्लस करना है और जो रिजल्ट आया उसमें से इसको माइनस कर देना है। जब आपने इसे माइनस किया तो आंसर आ गया 2.0873, तो ये आपके पास आ गया log x is equal to 2.0873। अब हमने यहाँ क्योंकि x फाइंड आउट करना है तो आपने लिखा इसको एंटी log और फिर आपने लिख दिया ब्रैकेट में 2.0873। अब यहाँ पर 2 कैरेक्टरिस्टिक हैं और आपके पास मेंटीस है 0.0873। अब आप इसको एंटी लॉक फाइंड आउट करने के लिए एंटी लॉक टेबल में चेक करेंगे। अब जब आपने 0.08 को आपने 7th में चेक किया कॉलम में तो आपको यहाँ आंसर गिवन है 1222 और फिर आपने मीन डिफरेंस के कॉलम में चेक किया इसको, मीन डिफरेंस में आपको 3rd कॉलम में चेक करना है तो गिवन है 1 तो 1222 में 1 प्लस किया। जब आपने 1222 में 1 प्लस किया तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1223। अब यहाँ आपको क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक गिवन है 2, जब 2 कैरेक्टरिस्टिक गिवन है तो आप इसको पॉइंट को यहाँ लगा दोगे तो ये x की वैल्यू आपके पास आ गई है 1223। हमारा क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया है।